अब हर रोज सुबह की चाय के साथ। देखिए सुनिए मेरे साथ, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य, आपके लिए लाया हूं दुनिया का खबरनामा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। चांद पर 2020 से उपकरण भेजने की योजना बना रहा है नासा। अमेरिका 1970 के दशक के बाद पहली बार 2020 और 2021 में चांद पर उपकरण भेजने की योजना बना रहा है। यह 2024 में चांद पर लोगों को भेजने के अमेरिकी मिशन का हिस्सा होगा। नासा का कहना है कि अंतरिम इस कार्यक्रम के तहत चांद पर उपकरण भेजने के लिए उसने अमेरिकी कंपनियों एंट्रीबोटिक एंटीटूटी मशीन्स और ऑर्बिट बियोड को चुना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने चांद पर लोगों को भेजने के कार्यक्रम में बदलाव करते हुए उसे 4 साल पहले 2024 तय किया है। उक्त कंपनियों ने अलग अलग आकार के अपने अपने यान तैयार किए हैं। तीनों यान नासा के उपकरण की 23 खेप चांद पर पहुंचाएंगे और पहली खेप सितंबर 2020 में भेजी जाएगी। चीन में एलियंस की यूएफओ दिखने का दावा। चीन के कई प्रांतों में लोगों ने यूएफओ देखे जाने का दावा किया है। यह दावा ऐसे समय में किया गया जब देश में सैन्य अभ्यास चल रहा है। लोगों ने सोशल मीडिया पर इससे संबंधित तस्वीरें शेयर की है। कल दुनिया का खबरनामा में चीन के सैन्य अभ्यास के विषय में समाचार भी दिया गया था, जो बोही सागर और बोही जलडबरू मध्य पर किया जा रहा है। इस अभ्यास के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर लोगों ने यूएफओ देखे जाने का दावा किया। लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने यूएफओ को देखा है। बीजिंग ने कहा, कोई 1 इंच जमीन नहीं ले सकता। चीन के रक्षा मंत्री ने दक्षिण चीन सागर और ताइवान व्यापार युद्ध के चलते व्याप्त तनाव के बीच अमेरिका को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि कोई भी देश उन्हें विभाजित नहीं कर सकता। जनरल पेई फेंग ने कहा है कि चीन किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को विफल कर देगा। फेंग ने अमेरिका और उसके ताइवान संबंध अधिनियम 1979 के कानून का जिक्र किया, जो अमेरिका को ताइपे सरकार को रक्षा हथियार प्रदान करने और आक्रमण से द्वीप की रक्षा करने में मदद करने की अनुमति देता है। वायुसेना का विमान लापता, 13 लोग थे सवार। इंडियन एयरफोर्स का एक विमान अरुणाचल प्रदेश में लापता हो गया है। इस विमान के उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एयरबेस से संपर्क टूट गया था। विमान ने असम के जोरहाट से अरुणाचल के मैनचुका के लिए उड़ान भरी थी, उसमें कुल 13 लोग सवार थे। मिली जानकारी के मुताबिक एयरक्राफ्ट A-132 लापता है। विमान पर 8 क्रू मेंबर और 5 यात्री सवार हैं। एयरक्राफ्ट N-32 ने जोरहाट एयरबेस से दोपहर 12:25 पर टेक ऑफ किया था। आखिरी बार एयरबेस से उसका संपर्क 1 बजे के करीब हुआ था। 100 दिन के भीतर ही 5G की टेस्टिंग होगी शुरू। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि 100 दिन के भीतर ही 5G की टेस्टिंग होगी शुरू। उन्होंने कहा है कि 5G और अन्य बैंड के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी इसी साल की जाएगी। बड़ी बात यह है कि चीनी कंपनी हुआवे को 5G परीक्षण में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप मित्रों को पता होगा कि सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अमेरिका पहले ही हुआवे को ब्लैक लिस्ट में डाल चुका है। मायावती कहने वाली है अखिलेश को अलविदा। कल तक एक मंच पर बुआ और बबुआ की जोड़ी के लिए संयुक्त नारे लगाने वाले BSP और SP के कार्यकर्ता फिर से मायूस हो गए हैं। मायावती ने संकेत दे दिए हैं कि उन्हें गठबंधन से फायदा नहीं हुआ, इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव BSP अकेले लड़ेगी। मायावती ने कहा है कि BSP को सपा कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं डलवाए, इसलिए वह एकला चलो की रणनीति पर ही आगे बढ़ेगी। कनाडा ने वेनेजुएला में अपने दूतावास का कामकाज बंद किया। कनाडा ने वेनेजुएला स्थित अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करते हुए आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अपने शासन की आलोचना करने वाले राजनयिकों को मान्यता प्रदान नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही कनाडा देश में मादुरो के राजदूतों की स्थिति की समीक्षा भी कर रहा है। विदेश मंत्री ने दूतावास बंद करने की सूचना दी है। ईरान के राष्ट्रपति ने माइक पोम्पो की बातचीत की संभावना खारिज की। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि जब तक अमेरिका सामान्य व्यवहार नहीं करता, उससे कोई बातचीत नहीं की जाएगी। इससे पहले विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि अमेरिका बिना किसी शर्त के ईरान से बातचीत करने को तैयार है। पिछले कुछ वक्त से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के कारण दोनों देशों के संबंध अब तक के सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। अमेरिका पिछले साल ऐतिहासिक परमाणु समझौते से अलग हो गया था और उसने ईरान पर कठोर प्रतिबंध लगा रखे हैं। सीरिया के एजाज में कार बम विस्फोट में 19 लोगों की मौत। सीरिया में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले शहर एजाज में भीड़भाड़ वाले बाजार और एक मस्जिद के बाहर किए गए कार बम हमले में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार शाम की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे थे, उसी वक्त विस्फोट हुआ जिसमें 4 बच्चों समेत 19 लोग मारे गए, 20 से अधिक लोग घायल बताए जाते हैं। एक दशक के बाद पाक की धरती पर उतरा ब्रिटिश एयरवेज का विमान।
ब्रिटिश एयरवेज की एक उड़ान 10 साल के लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तान में उतरी। एयरलाइन ने इस्लामाबाद के मैरियट होटल में सितंबर 2008 में बम विस्फोट के बाद पाकिस्तान के लिए उड़ान बंद कर दी थी। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से 240 यात्रियों को लेकर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर सुबह 9:15 पर उतरा। ट्रंप बेबी ब्लिंप को मिल सकती है संग्रहालय में जगह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शक्लो सूरत के जैसे रोते हुए बच्चे की आकृति वाले एक विशालकाय गुब्बारे ट्रंप बेबी ब्लिंप को लंदन संग्रहालय में रखा जा सकता है। इस संग्रहालय ने कहा है कि वह रबड़ के बने इस ब्लिंप को हासिल करना चाहता है। यह गुब्बारा अमेरिकी राष्ट्रपति के विरोध स्वरूप तब बनाया गया था जब वे बीते साल अपनी पहली यात्रा पर लंदन आए थे। इस ब्लिंप को बनाने वालों के अनुसार उनकी योजना इस सप्ताह ट्रंप की राजकीय यात्रा के समय इसे संसद के बाहर हवा में उड़ाने की है।